हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं कि आप कैसे अपना बर्तन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप एक बर्तन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती है। आपको बस माल खरीदना है, अपनी दुकान में रखना है और बेचना शुरू करना है। सो एक बहुत सिंपल बिजनेस होने वाला है, लो इन्वेस्टमेंट में आप इसको शुरू कर सकते हैं। चाहे आप इसको गाँव में शुरू करिए, चाहे आप शहर में शुरू करिए, तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, आप बर्तन को अपने ब्रांड में बनवाकर भी बेच सकते हैं। ये सारे तरीके इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और साथ ही में दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको इस बिजनेस की कुछ एक प्रॉब्लम्स भी बताने वाला हूं, ताकि उन प्रॉब्लम्स को आप ध्यान में रखें और आपका बिजनेस में नुकसान ना हो। साथ ही में दोस्तों, आप ये माल कहां से खरीद सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बर्तनों का मार्केट कहां पर है, कैसे आपको उस मार्केट में जाना है और मार्केट में जाने के बाद आपको किन सावधानियों को बरतना है, ताकि आपका पैसा किसी गलत हाथों में ना चला जाए, आप किसी गलत सप्लायर से, किसी गलत होलसेलर से माल ना खरीद रहे, तो कौन सी सावधानियां बरतनी है, यह भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप कोई भी बर्तन खरीदने वाले हैं, चाहे आप एल्यूमिनियम का खरीदने वाले हैं, चाहे स्टील का खरीदने वाले हैं, चाहे तांबे का, चाहे कांसे का, चाहे नॉनस्टिक बर्तन आप खरीदने वाले हैं, चाहे हार्ड एंड डिश का, चाहे पाउडर कोटिंग का, आप कोई भी बर्तन खरीदिए, बर्तन के बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको ये सारे बर्तन किलो के हिसाब में भी मिल जाएंगे और पर पीस के हिसाब से भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बिजनेस करने वाले तो आपको किस में कैसे खरीदना है बर्तनों को, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, लाइसेंस कौन से आपके लगने वाले हैं, शॉप को किस तरीके से आपको बिल्ड करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक बर्तन का बिजनेस करना चाहते हैं या आप किसी भी तरीके की कोई दुकान खोलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और बर्तन बिजनेस की सारी डिटेल्स आपको दूं। बर्तन के बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको समझना चाहिए कि आप कौन कौन से मेटल के बर्तन अपनी शॉप में रखने वाले हैं। सो बहुत अलग अलग मेटल्स के बर्तन आते हैं। अगर हम बात करें कुछ एक मेटल्स की, तो यहां पर आपको स्टेनलेस स्टील के बर्तन देखने को मिल जाएंगे, आप एल्यूमिनियम के बर्तन रख सकते हैं, तांबे के रख सकते हैं, कांसे के रख सकते हैं, आप नॉनस्टिक बर्तन रख सकते हैं, हार्ड एंड डिश के बर्तन रख सकते हैं, आप पाउडर कोटिंग बर्तन रख सकते हैं, पाउडर कोटेड जो बर्तन होते हैं वो रख सकते हैं। सब सारे मेटल के बर्तन आपको मिल जाएंगे और इन सारे मेटल के बर्तनों को खरीदने के दो तरीके होते हैं, या आपको किलो के भाव में मिल जाएंगे और पर पीस के हिसाब से भी मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कुछ एक प्राइजेस की कि कितने रुपए पर केजी के हिसाब से आपको ये मिलता है, अगर हम बात करें स्टील के बर्तन की, तो दोस्तों स्टील के बर्तन 250 रुपए से शुरू हो जाते हैं और ये 300 रुपए तक जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बल्क में क्वांटिटी खरीद रहे हैं। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, अब यहां पर मैं जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं आप, 250 रुपए केजी के हिसाब से, बट यहां पर क्लियरली मेंशन है मिनिमम ऑर्डर 100 केजी का आपको करना है। तो अगर आप 100 केजी का ऑर्डर नहीं करते हो, 50 केजी का ऑर्डर करते हो या 30 केजी का ऑर्डर करते हो, तो थोड़ा सा प्राइस 10-12 रुपए बढ़ जाता है, 10-12 रुपए पर केजी में बढ़ जाता है। सो इस चीज का आप ध्यान रखो, बट ऑलमोस्ट ये जो स्टील का जो प्राइस होता है स्टील के बर्तनों का, वो 250 रुपए से 300 रुपए तक जाता है। बट ये डिपेंड करता है कौन सा बर्तन आप खरीद रहे हैं, बर्तन से बर्तन मतलब यूटेंसिल टू यूटेंसिल भी वेरी करता है ये चीज। अगर आप हांडी खरीद रहे हो, वो 290 रुपए केजी के हिसाब से आएगी। जो चम्मच है वो 30 रुपए दर्जन के हिसाब से मिल जाएंगे आपको, बट वो जो 30 रुपए दर्जन के चम्मच होते हैं वो थोड़ी हल्की क्वालिटी के पतले होते हैं, वो आराम से मुड़ जाते हैं। बट अगर आप बात करें अच्छी क्वालिटी के बर्तन मतलब चम्मच की, तो वो 60-65-70 ऐसे आपको मिलेगा दर्जन, तो वो अच्छी क्वालिटी के हैवी स्पून होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के बर्तन की, तो वो भी आपको 220 रुपए से 300 रुपए केजी के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नॉनस्टिक बर्तन, तो भैया पर पीस के हिसाब से भी ले सकते हैं। हार्ड एंड डिश की अगर बात करें, तो वो 430 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। पाउडर कोटेड बर्तन जो होते हैं, वो आपको 330 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। सो इस तरीके से कुछ प्राइजेस हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप बर्तन के मार्केट में जाएंगे, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे कि कहां पर आपको जाना है और कैसे वहां पर खरीदारी करनी है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप होलसेल मार्केट में जा रहे हो बर्तनों की शॉपिंग करने के लिए, बर्तन खरीदने के लिए अपनी दुकान के लिए, तो वहां पर आपको कुकर भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, प्रेशर कुकर्स आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह होती है कि अगर आप किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर से मिलते हो, जिसकी खुद की छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग है, वहां से आपको माल बहुत सस्ता मिलेगा। और दूसरी बात यह कि अगर आप चाहते हो कि वो आपके ब्रांड नेम के साथ बर्तन बनवा दें, क्योंकि बर्तनों में क्या होता है, बर्तन के पीछे एक सील लगी रहती है, सील यानी कि स्टैंप लगी रहती है। बेसिकली अगर आप किसी भी बर्तन की कंपनी को देखेंगे, तो उसके आप अगर प्रेशर कुकर के बैक साइड में देखेंगे, तो उसके पीछे भी एक सील लगी रहती है, स्टैंप लगी रहती है। सो ऐसे काफी बर्तनों में आप ग्लास के नीचे देखेंगे, उसमें भी स्टैंप लगी रहती है। जो कंपनीज होती हैं, वो अपने बर्तन को स्टैंप के साथ बेचती हैं। सो आप अगर चाहो तो अपने ब्रांड नेम के साथ बर्तन बनवा सकते हो उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। बट अभी आपको स्टार्टिंग में, हम बात करें लो इन्वेस्टमेंट शुरू करने की, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ माल उठाना है। चाहे आप, अब जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, वो आपको 30,000 का 50,000 का माल भी दे देंगे, जो अच्छे होलसेलर्स हैं। तो बट आपको बस मार्केट में घूमना पड़ेगा, और वहां पर घूमने के बाद आपको सारे होलसेलर से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, और उनके बाद आप आराम से समझ जाओगे कि कौन सा होलसेलर आपके लिए सही है। अगर मैं बात करूं कुछ एक प्रेशर कुकर के प्राइसेस के, तो जो 1.5 लीटर का प्रेशर कुकर होता है, वो 350 से 400 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसका एमआरपी 1,000 रुपए से ज्यादा का होता है। और ऑन एन एवरेज दोस्तों, बर्तनों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो मार्जिन है ना, बहुत अच्छा है। और ये एक ऐसा
ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बर्तन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ना थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है। देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं आज की डेट में, हम लोग बस दुकान खोल के बैठ जाते हैं और ग्राहक का इंतजार करते हैं। बजाय इसके हमें करना क्या चाहिए कि अगर ग्राहक हमारे पास आने में असमर्थ है या लेट आ रहा है या देर से आ रहा है तो आप ग्राहक के पास खुद जा सकते हो। अब यहां पर बर्तन के बिजनेस में आपको करना क्या, बहुत बड़ी कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन फोकस आपको करना है अपने शॉप के बाहर ब्रांडिंग में, और दूसरा आपको फोकस करना है अपनी शॉप की लाइटनिंग पे। अपनी शॉप की लाइटनिंग इतनी ज्यादा ब्राइट रखो, इतनी ज्यादा लाइटनिंग रखो कि वो बाकियों से तो अलग दिखे, और जो चीज दिखती है वो बिकती है। आपकी दुकान दूर से नजर आनी चाहिए कि भाई ये बहुत चकाचौंध वाली दुकान है, ये बहुत अच्छी लग रही है। इसके अलावा जो बाहर आप ब्रांडिंग करेंगे ना, उसमें आपको क्लियरली आप मेंशन करो राहुल बर्तन भंडार, अभिषेक बर्तन भंडार या बर्तनों की दुकान, और इससे सस्ते बर्तन कहीं नहीं। भाई अगर आप धंधा कर रहे हो तो ये चीज़ लिखने में आपको शर्माना नहीं है, आपको डरना नहीं है। सस्ता दो फिर यार, सस्ता और टिकाऊ भी दो। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मार्केटिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल है, आप एक इतने अच्छे और सॉफ्ट स्पोकन हो, आप अपने कस्टमर को हंस के बहुत प्यार के साथ में डील कर लेते हो, सो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके बगल में भी एल्यूमिनियम के बर्तन कोई 500 रुपए किलो के हिसाब से भी बेच रहा है ना, आप 550 रुपए किलो के हिसाब से भी बेच लोगे, अगर आपने बेचने की तरीका अगर आपका अच्छा है तो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आपको बर्तनों की दुकान आपने खोल ली तो वहां पर आपको एक काम करना है, आपको जो आसपास के जो बड़े होटल हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर खाना प्रोवाइड किया जाता है, इसके अलावा जो पीजी हैं और जहां पर मतलब जहां भी ऐसी जो जगहें हैं जहां पर कैटरिंग चलती है, चाहे वो भैया किटी पार्टी हॉल्स हो गए, पार्टी हॉल्स हो गए, बैंकेट हॉल्स हो गए, शादी वाले हॉल हो गए, कोई भी इस तरीके के होटल्स हो गए, ढाबा हो गए, या डे बोर्डिंग स्कूल होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, वहां पर आप जाकर अपने विजिटिंग कार्ड्स दे दो कि भैया आपके अगर बर्तन कभी टूटते हैं, खराब होते हैं, तो आप यहां पर हमसे आप बर्तनों के लिए संपर्क कर सकते हैं, हमारी होलसेल बर्तनों की दुकान है, यही बताना है आपको। आप अपने विजिटिंग कार्ड्स दे दो, कुछ ना होने से कुछ तो होगा। 10 बड़ी बड़ी जगहों पर आपने विजिटिंग कार्ड दिए, उनमें से एक दो तो आएंगे आपके पास बर्तन खराब होने के बाद लॉट में स्टॉक उठाएंगे। और इसके अलावा मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, जहां पर भी मतलब खाना खिलाया जाता है लोगों को, बर्तन रखे जाते हैं वहां पर स्टील के, आपने देखा होंगे बर्तन बड़े बड़े, अब गुरुद्वारे में देखा होगा आपने बड़े बड़े स्टील के बर्तन होते, तो वहां पर जाओ आप, तो वहां पर आप भैया नॉमिनल प्राइस में भी दो, मत रखो इतना ज्यादा मार्जिन, क्योंकि वहां पर आपका बल्क में बर्तन जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बर्तन वेडिंग सेट भी रखना है, यानी कि शादियों में जो बर्तन दिए जाते हैं उसके लिए आप सेट बना दो कि भैया 51 बर्तनों का सेट है, 51 बर्तनों का सेट हो गया, 101 बर्तन का सेट हो गया, 151 बर्तनों का सेट हो गया, 201 बर्तनों का सेट हो गया, तो इस तरीके से सेट बना दो, बॉक्सेस बना दो, और उसमें आप बता दो कस्टमर को, अगर आप चाहो तो बाहर ही मेंशन कर दो वेडिंग यूटेंसिल सेट्स, 51 यूटेंसिल्स इतने के, 101 बर्तनों का सेट इतने का, 201 बर्तन का सेट इतने का, या 151 बर्तनों का सेट इतने का, ये आप लिख दो। अब आपने लिख दिया कि भैया 51 वेडिंग जो यूटेंसिल्स हैं उसका सेट आपके पास 4000 रुपए का है। अब कस्टमर आया तो उसको आप बताओ कि सर ये जो 4000 रुपए का है ये थोड़ा सस्ता तो है, लेकिन ना इसमें जो बर्तन है उसमें आगे चल के दरार आ सकती है, फट सकते हैं बर्तन, ये थोड़ा पतले स्टील के होते हैं, बट अगर आप कहो तो हम आपको अच्छी क्वालिटी का भी दिखा देते हैं जिसमें 10 साल 20 साल तक तो बर्तनों को कुछ नहीं होगा। तो 10 साल 20 तक यार कुछ नहीं होता बर्तनों को वैसे भी, और कौन बर्तनों के साथ कुश्ती कर रहा है। और अगर आपने 51 बर्तनों का सेट बेचा है उसमें से एक आध कटोरी अगर 2-3 साल बाद टूट भी जा रही है तो कस्टमर आपके पास नहीं आने वाला है, ये भैया यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं कि एक कटोरी उसकी 2 साल बाद 5 साल बाद टूट गई तो आपकी दुकान में लेकर आ रहा है कि भैया ये कटोरी फट गई मेरी, इतना नहीं होता है। बट आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी के स्टील में उसको दिखा सकते हैं, और फिर आप उसको बताइए कि सर अगर आप चाहो तो भैया 4000 वाला ले सकते हो, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है सर, बट इसका स्टील थोड़ा पतला होता है, ये सस्ता जरूर मिल जाएगा, बट आपको पता ही है जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो भैया इसकी गारंटी है 10 साल तक 20 साल तक आपके बर्तनों को कुछ नहीं होगा। कितने का भैया? ये 7999 का पूरा सेट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरीके से आपको भैया वेडिंग सेट्स भी रखने हैं बर्तनों के, कि आप शादियों में जो सेट देना होता है 51 बर्तन का, 101 बर्तन का, 151 बर्तन का, 201 बर्तन का, ऐसे आप सेट बनाकर रखो और उनको भी बेचो, उसमें भी आपका अच्छा मार्जिन निकल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बर्तनों के बिजनेस में ना एक सबसे बड़ी बात होती है, यहां पर जैसा ग्राहक वैसी पुड़िया, मतलब अगर आपका ग्राहक थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ठाक है, कार से आया है, तो वहां पर आप थोड़ा ज्यादा महंगा भी बेच सकते हो, क्योंकि किसी भी बर्तन के ऊपर दाम तो लिखा नहीं होता। आप कढ़ाई बेच रहे हो, कढ़ाई के ऊपर दाम नहीं लिखा। आप कोई हैवी कोई वो बेच रहे हो, हांडी बेच रहे हो, देग बेच रहे हो बड़ी, तो उसमें प्राइस नहीं लिखा होता, तो आप वहां पर प्राइस अच्छा चार्ज कर सकते हो। और अगर कोई भैया नॉर्मल कस्टमर आया है तो आप उसको थोड़ा कम मार्जिन रखकर भी बेच सकते हो। तो यहां पर जैसा ग्राहक वैसी पुड़िया, कोई बहुत ही ज्यादा एमआरपी के ऊपर आप फिक्स नहीं हो कि भैया आपको उतने पे ही बेचना है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, ऑलवेज थिंक बिग बट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल।
आपका जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ा और बहुत आगे तक का होना चाहिए, बट शुरुआत आप छोटे से कर सकते हो इस बिजनेस की। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप किसी भी बड़े बिजनेस को उठाकर देख लो, उसकी शुरुआत एक छोटी दुकान से ही होती। अब मैं जब बर्तनों के इस बिजनेस की रिसर्च कर रहा था, मैं काफ़ी दुकानों में गया कि ये बर्तन भंडार सिंस 1942 सिंस 1972, ऐसे बड़े बड़े मार्केट्स में बड़ी बड़ी दुकानें आपने देखी होंगी। बट जब आप उनके ऑनर से बात करेंगे ना कि सर इस बिजनेस की आपने शुरुआत जब करी तो कैसे करी थी, तो उनका एक ही जवाब होगा कि भैया ये मेरे नाना परदादा ने इसकी शुरुआत भैया एक छोटी सी दुकान से करी थी। और ये सच्चाई है, ऐसे बहुत सारी बर्तनों की दुकानें हैं जो सिंस 1972 2001 ऐसे लिखा हुआ है, उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी थी, 10-12 हज़ार रुपए के बर्तनों से शुरुआत करी थी, और आज के डेट में उनका करोड़ों का टर्नओवर है एक अकेली दुकान से। ऐसा नहीं होता कि भैया आपने 10-12 फ्रेंचाइजी बेच दी ऑल ओवर इंडिया, आप भैया एक्वायर कर रहे हैं काफ़ी सिटीज़ को, तभी आप लाखों का बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अकेला बिजनेस कर रहे हैं, अकेली दुकान से लाखों का धंधा कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपका बिजनेस चल जाए तो उसके बाद आप धीरे धीरे जो एक लाइसेंस अथॉरिटीज है उनसे लाइसेंस लेकर फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसको भी आप अलग अलग तरीके से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, चाहे फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे हो, चाहे बिजनेस को होलसेल में बेच करो, किसी भी तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें लाइसेंस की, तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप भैया, काफी वीडियोज में आपके कमेंट्स आते हैं कि सर कौन सा लाइसेंस लेना है, और काफी वीडियोज में आपको लोगों ने बताया होगा ये लाइसेंस ले लो, वो लाइसेंस ले लो, जीएसटी नंबर ले लो। एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए आपको बिल्कुल भी जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, आपका 20 लाख से टर्नओवर नहीं होने वाला ज्यादा, तो आप यहां पर बिना किसी लाइसेंस के बिना किसी डर के इस बिजनेस को शुरू करो। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ जाए उसके बाद आप भैया अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं, आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टार्टिंग में किसी भी तरीके के लाइसेंस की जरूरत नहीं है इस बिजनेस के लिए। अब इस बिजनेस की जब मैं रिसर्च कर रहा था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं काफी शॉप्स पे विजिट किया मैंने, कुछ एक ऑनर से बात करी, और कुछ एक बर्तन भी मुझे खरीदने पड़े। हर दुकान में जा रहा हूं तो भैया मतलब उनसे काफी बातें करने के बाद बिना कुछ खरीदे तो नहीं आ सकता, तो कहीं से मैंने कुछ एक हैवी कढ़ाई खरीदी विद लिड, और एक जो है चाय बनाने के लिए पैन खरीदा, मेरा पुराना वाला भी था, बट ठीक है। अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो होलसेल से माल को खरीदने के बाद खोलेंगे तो दुकान ही ना, तो दुकान का मैं एक छोटा सा सेटअप आपको बताता हूं। देखिए स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा पलाई का काम नहीं करवाना है, आपको कांच नहीं लगवाना है दुकान में, कुछ नहीं करना है अगर आपके पास बजट कम है। अगर बजट है तब तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप कुछ मत करो, आप लोहे की रैक्स आती हैं आप रैक्स लगा दो अपनी पूरी दुकान पे, और शॉप में आपने पीछे पूरी रैक लगा रखी है, और साइड में जहां पर आपकी शॉप का एंट्री और एग्जिट है वहां पर आपने काउंटर लगा लिया, अपना टेबल लगा लिया, और वहां पर आप बैठे हुए हैं। अब मैं एक दुकान में गया था जहां पर एक सरदार जी बैठे हुए थे, और बढ़िया तरीके से उनका धंधा चल रहा था, उन्होंने 3 लड़के काम करने के लिए रखे हुए थे। अब उनका धंधा, जबकि दुकान उनकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, 200-250 स्क्वायर फीट से भी कम की शॉप थी उनकी, बट वहां पर 3 लड़के उन्होंने काम करने के लिए रखे हुए थे। तो अब आप इससे समझ लो कि धंधा सही चल रहा है ना उनका बिजनेस, तभी उन्होंने 3 लड़कों की भैया काम पर रखे हुए और सैलरी निकाल रहे हैं। बट उनका एक चीज अच्छी थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, और दूसरी बात ये कि वो जिस टेबल पे बैठे हुए थे उस टेबल पे उन्होंने यूनिक जो यूटेंसिल्स होते हैं वो रखे हुए थे, भैया बहुत ही यूनिक तरीके के उन्होंने स्पून्स रखे हुए थे, फोक रखे हुए थे, नाइफ बहुत अच्छी क्वालिटी के रखे हुए थे, और साथ ही में उन्होंने वो वेट करने वाली मशीन रखी हुई थी। तो वेट करने के लिए मशीन आपको रखनी है अपने काउंटर पे ही, और अगर आप किलो के भाव में खरीदते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप किलो के भाव में बेच सकते हो। कोई कस्टमर आपका भैया हैवी क्वालिटी की कढ़ाई ले रहा है तो आपने बस वेट मशीन में रखा, आपको दिख गया भैया हाँ ये 2 किलो की कढ़ाई है या 1.5 किलो की कढ़ाई है, आपने उसका कैलकुलेशन करा, आपको 300 रुपये किलो के हिसाब से मिली हुई है, तो आप 400-450 जितना आपके एरिया के हिसाब में आप बेच सकते हो उतने से आपने कैलकुलेट करके उसका निकाला प्राइस और उतना कस्टमर को बता दिया। सो वहां पर आपके पास आपके काउंटर पे भैया आपका एक गल्ला तो होगा ही होगा, और साथ में आपकी वेट मशीन होनी चाहिए और एक कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कोई पॉज मशीन नहीं रख सकते तो यहां पर आपको पॉज मशीन की जरूरत भी नहीं है, और एक दो स्टाफ आपने रखा हुआ काम करने के लिए अगर आपके पास जगह है और बजट है, नहीं तो स्टार्टिंग में आप खुद से कर सकते हो। सो अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस है और खराब होने वाला बिजनेस नहीं, ऐसा नहीं है कि भैया ये बर्तन आपने रख दिए तो वो गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बल्क में भी माल खरीद सकते हो, एक्सपायर नहीं होने वाला माल, तो ये एक अच्छा बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। तो आप डेफिनेटली एक बर्तन बिजनेस की शुरुआत करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं भैया, अगर आप बर्तन का बिजनेस होलसेल में शुरू करना चाहते हैं तो आपको माल खरीदना कहाँ से है? अब भैया सबसे इंडिया में अगर देखा जाए तो माल खरीदने के लिए हर चीज़ के प्रोडक्ट का जो होलसेल है वो दिल्ली में है, तो यहाँ पर भी बर्तन का जो सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है वो दीप्तिगंज मार्केट है, जो कि सदर बाजार दिल्ली में है। तो आप सदर बाजार में जा सकते हो और आसपास कम से कम होटल ले लो और 8-10 दिन वहाँ पर रुको, और 8-10 दिन रुकने के बाद आपको वहाँ पर जितनी दुकानें हैं ना बर्तनों के होलसेल की सब में जाओ,
और आप अपनी बात रखो, बर्तन वहां पर देखो, क्वालिटी देखो, और साथ ही में आपको करना क्या है कि आप हर दुकान में जाने के बाद एल्युमिनियम कितने रुपए किलो मिल रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तन ठीक है, तांबे के कितने के मिल रहे हैं, स्टील के कितने रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहे हैं, ये आप उनसे पूछ लो और नोट करते जाओ कौन सी दुकान में कितने रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, और उनकी शर्तें क्या है कि कितना किलो माल लेना है, कम से कम कितने का ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप घर के लिए पर्दे भी लेने जाओगे ना, आप तीन दुकानों में पूछोगे ना, आपको पता चल जाएगा इन तीनों में से कौन सी दुकानदार सही है और कौन कम पैसा खा रहा है मेरे से। तो इतना आप कर सकते हो, जब आप भैया 50,000 60,000 100,000 का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, इससे ज्यादा भी इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आप 5-6 दिन की रिसर्च तो कम से कम जरूर करो। दिल्ली सदर बाजार में, दीप्ति मार्केट में आप वहां पर रहो, सुबेरे जैसे दुकान में जाते 6 बजे मार्केट खुल जाता है, आप 6 नहीं 7 नहीं 8 बजे तक मार्केट पहुंच जाओ भाई नाश्ता वास्ता करके, और वहां पर पूरा घूमो, हर होलसेलर से मिलो, हर दुकानदार से मिलो, बात करो, और अगर कोशिश करो और कोई व्यापारी जो उनसे माल खरीद रहे हैं ना उनसे जरूर बात कर लो। जैसे आप गए दुकान में बैठे हुए आप, और कोई दुकानदार आया हुआ है, कोई जयपुर से आया, कोई दिल्ली के आसपास का ही है, और वो माल खरीद रहा है, तो जब वो माल खरीद कर निकलता है उससे बात करो कि भैया आप इनसे कब से माल ले रहे हो, किस तरीके का रिस्पॉन्स है, भैया कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई काम करने में इनके साथ, माल कैसे भेजते हैं, आपको कोरियर कर देते हैं, आप यहाँ पर क्यों आते हो, आप हर बार यहाँ पर आकर लेते हो माल, तो ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ लो, है ना। तो ये जब आप पूछ लोगे, आप होलसेलर से भी मिल लो, और होलसेलर से जो लोग कस्टमर माल ले रहे हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करो। इतना आपने अगर कर लिया ना, आप कभी भी धंधे में नुकसान नहीं खाओगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और कौन सा सही सप्लायर है, कौन सा सही होलसेलर है, वो आप ढूंढ लोगे इस इतना सा करने से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सारा गेम ही है सही होलसेलर का। अब होलसेलर का स्वभाव अच्छा नहीं है, उसका काम अच्छा नहीं है, आप उसके साथ जुड़ गए तो आपका पैसा भी मिट्टी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं बोलना भूल गया, हर बार की तरह भैया यूट्यूबर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि अगर आप वीडियो को देखने के बाद पसंद आता है लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम और अच्छे अच्छे रिसर्च करके आप लोगों के लिए बिजनेस वीडियोस लेकर आते रहें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।